हाँ जी सारे विद्यार्थियों ने सत श्री अकाल। हुण साडे को सैवंथ क्लास का नैक्सट टॉपिक है डेटा हैंडलिंग यानी कि अंकड़ियां दा प्रबंधन। डेटा मतलब दा अंकड़े, जिस तरह कोई तुसीं सर्वे करदे जिहड़े तुहानूं अंकड़े डेटा जिहड़ा इकट्ठा करदे, ठीक है। जिस तरह मान लो तुसीं अपने स्कूल विच जिन्नियां वी तुहाडे स्कूल विच क्लासेस ने, हर एक क्लासेस दे विच तुसीं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता कीते, पहली क्लास विच किन्ने बच्चे ने, दूसरी क्लास विच किन्ने विद्यार्थी पढ़ते हैं, तीसरी क्लास विच, ये तुसीं सारे पहली तो लैके दसवीं तक के जिन्नियां भी क्लास जिन्ने भी सैक्शन है एक तुसीं डेटा इकट्ठा कर लिया। फिर उस डेटे नूं तुसीं उस डेटे तो तुसीं कोई भी इनफॉर्मेशन लै सकते जी। तुसीं ये पता कर सकते किहड़ी क्लास विच सब तो ज़्यादा विद्यार्थी ने, किहड़ी क्लास विच सब तो घट विद्यार्थी ने, ठीक है। इनू कहिंदे डेटा हैंडलिंग, अंकड़ियां दा प्रबंधन, अंकड़ियां नूं किसी तरीके नाल मतलब इस्तेमाल करना, उस तो इनफॉर्मेशन इकट्ठी करनी। फिर इतों तुसीं एक डेटा जो इकट्ठा करते हो तो एक असी जो पढ़ांगे अज अरिथमैटिक मीन वो तुसीं कट सकते। की हुंदा अरिथमैटिक मीन, इनू असी पंजाबी विच मध्यमान कह लैने, तो मीन नू असी एवरेज भी कहने, एवरेज भी कह लो, इको ही गल है मीन तो एवरेज। एवरेज नू पंजाबी असी की कहने औसत, ठीक है। इस डेटे दे तुसी औसत यानी कि एवरेज भी कह सकते जी। इस तरह एक एग्जाम्पल करते हैं, एक क्रिकेटर स्कोरस द फॉलोइंग रनस इन 8 इनिंग्स। एक क्रिकेटर है साढ़े को स्कोरस फॉलोइंग रनस इन 8 इनिंग्स, मतलब उन्हें 8 मैच खेडे तो 8 मैचों में किन्नियां दौड़ा बनाईया। पहले मैच में उन्हें 58 दौड़ा बनाईया 58 रनस, दूसरे विच 76, तीसरे विच 40, फिर 35, फिर 46, 45, 0 ते 100, यानी कि पहले मैच में 58 रनस, दूसरे विच 76, तीसरे विच 40, फिर 35, छेवें विच 46, छेवें विच आ गया 45, ठीक है। पंजवें मैच में 46, फिर सत्तवें में 0, कोई दौड़ नहीं बनाई, तो अठवें में 100। हुण कहेगा इन्हां दा मीन फाइंड आउट करो, अरिथमैटिक मीन या पंजाबी च मध्यमान पता करो। एक किस तरह पता करना, इहदा फॉर्मूला की है साढ़े को, सम ऑफ ऑब्जरवेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस। ऑब्जरवेशन मतलब जेडे तुसीं अंकड़े इकट्ठे किए ने उन्हां दा सम, उन्हां दा जोड़, कि अंकड़े इकट्ठे किए सी कि इस क्रिकेटर ने 8 मैच में किन्नियां दौड़ां बनाईया, पहले च 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 ते 100, इन्हां सारे अंकड़ियां दा जोड़, सम ऑफ ऑब्जरवेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन। ये किन्ने अंकड़े ने, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। हुण सारयां दा जोड़ करके असी 8 नाल इहनूं डिवाइड करांगे, जो ऐड अप करांगे इहनां नूं किन्ना आएगा साडे को, 8, 6, 14, 5, 19, 19, 6, 25, 25, 30, फिर 3 गया 8 ते 7 15 ते 7 22, 22 ते 8 30, 30 ते 10 40 बटा 8, ठीक है। इनू हुण तुसीं 400 नूं 8 नाल भाग करोगे या कटिंग करोगे, यह आएगा 50, मतलब उन्हें 8 मैच जिहड़े खेले हर एक मैच में औसत उन्हें 50 रन बनाए, ठीक है। ये मतलब है औसत यानी कि मध्यमान मीन। एक होर एग्जाम्पल देखो, द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड, द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज, हुण हाइट 10 कुड़ियों की हाइट मेजर की सेंटीमीटर विच, मेजर्ड इन सेंटीमीटर, ठीक है। पहली दी हाइट
जिहड़ी मेजर की 135 सेंटीमीटर, दूसरी दी 150, फिर 139, 138, 151, 132, 146, फिर अगली दी 149, 143, ते दसवीं कुड़ी दी हाइट 141 सेंटीमीटर। ठीक है, ये असी हाइट इन्ह दी मेजर की। हुण सब तो उन्हें कुछ प्रश्न पूछे ने इहदे विच। सब तो पहला कहिंदा व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल। टॉलेस्ट गर्ल मतलब सब तो लंबी कुड़ी की हाइट कितनी है। हुण जिहड़ी सब तो लंबी कुड़ी की हाइट, जिहड़ी सब तो लंबी कुड़ी होगी उहदी हाइट सब तो ज़्यादा होगी। इहदे विच देखो आ जिहड़े तुसीं अंकड़े इकट्ठे किए डेटा, सब तो वड्डा डेट अंकड़ा केड़ा है, नंबर 151, यानी कि सब तो लंबी कुड़ी की हाइट कितनी 151 सेंटीमीटर। सैकेंड, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल। हुण टॉलेस्ट मतलब सब तो लंबी जड़ी, शॉर्टेस्ट मतलब जड़ी सब तो छोटी। हुण सब तो घट अंकड़ा 128, इहदा मतलब सब तो छोटी कुड़ी की हाइट हैगी 128 सेंटीमीटर। नैक्सट है, वट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा, वट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा। हुण जो रेंज पता करनी, रेंज इस पहली अभ्यास में तुसीं दो ही चीज़ां पढ़नी, एक तो अरिथमैटिक मीन यानी कि मध्यमान, दूसरी रेंज। रेंज का मतलब हुंदा जिहड़ा तुसीं डेटा इकट्ठा किया इहदे विच सब तो वध मैक्सीमम वैल्यू तो सब तो छोटी, सब तो घट मिनीम वैल्यू, उन्हां विच अंतर डिफरेंस। हुण सब तो मैक्सीमम वैल्यू किन्नी सीगी 151, तो सब तो छोटी 128, इन्हां विच अंतर। तो ये अंतर जदों 151 विचों 128 माइनस करेंगे 23, ये साढ़े को आ गई रेंज 23 सेंटीमीटर। रेंज का मतलब कि जिहड़े भी असीं डेटा इकट्ठा किया, 10 कुड़ियों की हाइट जिहड़ी मेजर की 128 तो लैके 151 दे विच विच है। ठीक है, तो इन्हों का फर्क कितना गया 23 सेंटीमीटर, एक ही होगी साढ़े को रेंज। नैक्सट फोर्थ पार्ट विच, व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, यानी कि हुण असीं मीन पता करना है। तो मीन यानी कि मध्यमान, तो ये तुहानू पहला भी दस्सिया कि फॉर्मूला सब सम ऑफ ऑबजरवेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑबजरवेशन, भी आ जिन्ना भी ये ऑबजर्व किया हाइट जिहड़ी डेटा जिहड़ा इकट्ठा किया इन्हों का सम, इन्हों का जोड़ करांगे 135 जमा 150 जमा 139 जमा 128 जमा 151 जमा 132 जमा 146 जमा 149 फिर जमा 143 तो जमा 141 ओवर नंबर ऑफ ऑबजरवेशन, किन्नियां ने साढ़े को टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हुण इन्हां सारयां दा जोड़ करके 10 नाल इहनू अहीं डिवाइड करांगे। हुण इन्हां दा जोड़ जिहड़ा आया, जोड़ करोगे तुसीं इह आएगा 1414/10। हुण 1414 नूं 10 नाल भाग करो, इह आएगा 141.4 सेंटीमीटर। मतलब इन्हां दी औसत जिहड़ी कुड़ियां दी हाइट है, एवरेज हाइट है या मीन हाइट कह लो, वह किन्नी है 141.4 सेंटीमीटर। ठीक है, हुण नैक्सट, हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर दैन द मीन हाइट, भी किन्नियां कुड़ियां दी हाइट जिहड़ी आ वह मीन हाइट तो ज़्यादा है। हुण मीन हाइट साढ़े को औसत जिहड़ी उचाई कुड़ियां दी किन्नी 141.4, असीं देखना 141.4 तो किन्नियां कुड़ियां दी हाइट ज़्यादा आ। 135 जिहड़ा इहतों घट है, एक आ ज़्यादा हो गया, इहनूं मैं सर्कल करी जाना, फिर 139 भी घट है, 128 भी घट है, 151 वध है, 132 भी 141 तो घट है, 146 वध हो गया, 149 143 तो 141 जिहड़ा 141.4 तो घट है। ठीक है, ये पॉइंट चार है, इकला 141, तो किन्नियां कुड़ियां दी हाइट ज़्यादा 1 2 3 4 5। ठीक है,
यानी कि फाइव गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। क्लियर, बहुत ही सौखा टॉपिक है, बस प्लस करना होंदा है, माइनस करना, जब प्लस करके डिवाइड करना है। क्लियर, सो धन्यवाद सारे का।